स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले आप रीड कीजिए अपनी बुक में, आपको गिवन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर बोल रहा है। आर का मतलब यहाँ पे है जो सेट आर के लिए बोला है, दैट आर इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी नंबर्स। तो क्या कहा है इसमें, जो सेट होगा रिलेशन का रियल नंबर्स पर, आपको क्या गिवन है उसका रिलेशन, कि रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिन ऑर्डर्ड पेयर में ए की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। वो बी स्क्वायर की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, लेस फॉर ऑल ए बी, और ऑल ए बी, ए और बी की वैल्यू कहां पे बिलोंग करनी चाहिए, आर में। आर का मतलब है रियल नंबर के सेट में बिलोंग करनी चाहिए। और ये कहा आप ये शो करें कि दिस इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक नोर ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले मान लिया फॉर एनी एलिमेंट ए, कोई भी मैंने एक एलिमेंट लिया ए जो रियल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, आपको ये दिखाना है कि a इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्सिव में a का रिलेशन a से ही दिखाया जाता है, b की जगह क्या हो जाता है a। तो a है वो लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होता। देखो नेचुरल नंबर लिया आपने, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं लेना, रियल नंबर के सेट में बोला है रियल नंबर। तो रियल में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू, ऑल रेशनल इरेशनल नंबर्स कम्स इन रियल नंबर्स। तो आपने 1/2 को लिया, 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ना तो 1/2 के स्क्वायर के इक्वल होता है ना ही उसके लेस होता है, उससे ग्रेटर होता है। तो ये, और मैंने आपको बोला था ओनली वन पेयर आप ऐसे दिखा देना जो इस रियल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद आते हैं हम सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में जो रिलेशन ए का बी से होता है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। मान लिया आपने ए और बी दो नंबर लिए, अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है तो बी भी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए, बट अगर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है लेकिन बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं होगा। आपने ए बी कोई नंबर लिया रियल नंबर के सेट में से, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 3, 1 इज लेस देन 3 स्क्वायर, ये कहा या तो लेस होना चाहिए या इक्वल, 1 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर बट लेस देन है, बट 3 इज नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 3 है 1 के इक्वल भी नहीं है ना ही उसके लेस है। तो जो रिलेशन ए का बी से है वो रिलेशन बी का ए से नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में आपको दिखाना होता है जो रिलेशन ए का बी से है, बी का सी से है, वही ए का सी से होना चाहिए। आपने टू ऑर्डर पेयर लिए ए बी और बी सी, ए का रिलेशन बी से क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और ए बी सी जो तीनों नंबर आपने लिए हैं वो रियल नंबर में से लिए, बट आपको दिखाना है ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, लेकिन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं होगा। ए की वैल्यू ली मैंने 1/3, देखो ए की वैल्यू मैंने क्या ली है 1/3, बी की वैल्यू ली है -3 और सी की वैल्यू ली है 1/2। मैंने आपको कहा था कोई भी वन पेयर आप ऐसा दिखा देना जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो प्रूव हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं। हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे जहां पर ऐसा होता है कि ये जो ए का रिलेशन बी से होगा, बी का सी से होगा, ए का सी से होगा, लेकिन आपको एक ओनली वन ऐसा पेयर चाहिए जो ये प्रूव करे कि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। कैसे करेंगे हम, हमें पता है 1/3 इज लेस देन
इक्वल टू माइनस थ्री स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, नाइन से लेस देन होता है वन बाई थ्री, और माइनस थ्री जो है वो लेस देन इक्वल टू वन बाई टू होल स्क्वायर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव आएगा वन बाई फोर, दिस इज लेस देन दिस। बट जो ए की वैल्यू है वो सी स्क्वायर से लेस नहीं है, ए की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री, सी क्या है वन बाई टू, इसका स्क्वायर करेंगे वन बाई टू स्क्वायर, तो वन बाई जो थ्री है दैट इज नॉट लेस देन इक्वल टू वन बाई फोर, आप ये इक्वल नहीं है। तो ए बी का रिलेशन अगर आपने ऑर्डर पेयर ऐसे लिए कि ए का रिलेशन बी से है बी का सी से है, जरूरी नहीं है वही रिलेशन ए का सी से हो, जहां पर ए बी और सी रियल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं, तो हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। जैसे क्वेश्चन नंबर नाइन में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टेन में कहा है, क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा था शो दैट, आप शो करेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव नहीं है, और क्वेश्चन नंबर टेंथ में कहा है चेक वेदर, कि आप चेक करो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव है या नहीं, और रियल नंबर रिलेशन जो आपको गिवन है वो गिवन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, सिर्फ स्क्वायर की जगह क्या हो गया है क्यूब हो गया है, और डिफाइंड भी कहा है ये फोर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेम क्वेश्चन नंबर नाइन की जैसा ही है, ये जो रिलेशन है ये रियल नंबर के सेट पर ही डिफाइंड है, रिलेशन कैसे गिवन है वो इस रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें ए की वैल्यू है वो बी क्यूब से लेस देन या उसके इक्वल होनी चाहिए। तो दिस क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ, और मैं आपको बता देती हूँ ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, लेकिन आप एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे सब एग्जाम्पल्स देकर आपको एक्सप्लेन किया है, तो यू विल डू योरसेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। बेटा आप कीजिए इस एक्सरसाइज को, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, सबको पता है ये थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसी है कि इसमें थ्योरेटिकल जैसा लगता है, न्यूमेरिकल्स इतने सोल्व नहीं करने होते हैं, पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कोई भी एग्जांपल देने से पहले कि किस टाइप का एग्जांपल दें, ये कंडीशन को जहां पे फेल करे या फिर जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो प्लीज कीजिए इस एक्सरसाइज को, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा।